48 गवाहों के इसमें बयान रिकॉर्ड किए गए तुरंत, और डिफेंस की तरफ से जो विटनेस है उनको किया एग्जामिन करके, और सारी ट्रायल जो इतने कम समय में पेश करके, और आज न्याय दिया जो है उस लड़की को न्याय मिला। तो इस प्रकार 9 अभियुक्तों में से कुल 6 अभियुक्तों को इस जापानी दुष्कर्म प्रकरण में जो है आज न्यायालय ने सजा दी।